सायरम बच्चों, आज हम WE क्लास में क्विलिंग वर्क सीखेंगे। क्विलिंग एक क्रिएटिव आर्ट है जिसमें हम तरह तरह के डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं। इसमें सबसे पहले पेपर स्ट्रिप्स के रोल बनाए जाते हैं, इन रोल से कॉइल बनाई जाती है, कॉइल से शेप्स बनाते हैं और इन शेप्स से अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाती हैं और इन डिज़ाइन को हम ग्रीटिंग कार्ड, फाइल कवर, सीनरीज, बॉक्सेस, ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं। आप भी क्विलिंग ज़रूर सीखिए और जब आप सीख जाएंगे तो अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके सुंदर सुंदर आइटम्स बनाइए। फ्लावर बनाने के लिए हमें मल्टी कलर्स के 3 mm या 5 mm क्विलिंग स्ट्रिप्स का यूज़ करना है। एक क्विलिंग टूल, फेविकोल और सीजर्स की मदद से हम अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। एक ग्रीन स्ट्रिप को टूल में फिक्स करना है और एंड तक रोल करना है। अब इसको फेविकोल से चिपका देंगे। इस तरह एक कॉइल तैयार हो जाएगी, अर्थात एक सर्कल तैयार हो जाएगा। फ्लावर बनाने के लिए हमें ग्रीन कलर का एक ही सर्कल बनाना है। अब पिंक कलर के कॉइल या सर्कल बनाएंगे। हमें 5 कॉइल तैयार करना है। हम लूज कॉइल तैयार करेंगे। सभी सर्कल का साइज एक समान होना चाहिए। आप पिंक कलर की जगह और कोई भी कलर ले सकते हैं। सर्कल का साइज छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये हमारा एक सर्कल तैयार हो गया। इस तरह से 4 सर्कल या कॉइल हमें तैयार करना है और सबका साइज एक समान होना चाहिए। पहले आप एक टाइट कॉइल तैयार कर लें, फिर उसको पेपर पर रखें और उंगलियों से थपथपाएंगे तो वो सर्कल या कॉइल लूज हो जाता है, कुछ इस तरह से। अब आप अपने 5 सर्कल तैयार कर लेंगे। हमने एक ग्रीन कलर और 5 पिंक कलर के कॉइल या सर्कल तैयार कर लिए हैं। फ्लावर बनाने के लिए पिंक सर्कल को शेप देना है। हम सर्कल को टीयर ड्रॉप का शेप देंगे। इस तरह हमने 5 टीयर ड्रॉप तैयार कर लिए हैं। एक टीयर ड्रॉप में फेविकोल लगाकर ग्रीन सर्कल के साथ चिपकाएंगे। एक एक करके 5 पिंक कलर के टीयर ड्रॉप को ग्रीन सर्कल के साथ चिपका लेंगे। हमें बहुत सफाई से चिपकाना है, एक्स्ट्रा फेविकोल का यूज नहीं करना है। ये हमारा एक सुंदर सा फ्लावर तैयार हो गया। फ्लावर के बीच में हम एक मोती या कुंदन चिपकाएंगे। थोड़ा सा फेविकोल लगाया और एक कुंदन या मोती चिपका दिया। हमने कुछ एक्स्ट्रा फ्लावर भी बनाए हैं, 2 कलर्स के भी हैं, डबल शेड में बनाए हैं और ये टाइट कॉइल से हमने एक छोटा सा फ्लावर बनाया है। ये आई शेप है, इसको मैं आगे आपको सिखाऊंगी। आज हम 2 शेप बनाना सीखेंगे, टीयर ड्रॉप और आई शेप। हमने ये 2 ग्रीन कलर के सर्कल, लूज सर्कल या बनाए हैं, इसको हम आई शेप देंगे। दोनों हाथों से सर्कल को ट्विस्ट करेंगे और आई शेप देंगे। ये हमारी 2 पत्तियां तैयार हो गई हैं। अब हम एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं।
ये हम अपनी मम्मा के लिए बना रहे हैं और एक बर्थडे कार्ड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे माँ के लिए। ये हमने डंडियाँ बना दी, यह हम अपने हाथ से बनाया हुआ फ्लावर चिपकाएंगे। एक एक्स्ट्रा फ्लावर आपको बनाना है अपने मनपसंद के कलर और शेप का। आप आई शेप भी ले सकते हैं, टीयर ड्रॉप का शेप भी ले सकते हैं। जो दो पत्तियां हमने बनाई हैं उनको हम कार्ड पर चिपकाएंगे। ये हमारा पहला कार्ड है, इसलिए हमने एक छोटा सा लेकिन सुंदर सा कार्ड अपनी माँ की बर्थडे के लिए बनाया है, हैप्पी बर्थडे माँ। इसमें एक सुंदर सा मैसेज लिखकर माँ को गिफ्ट करना है।